हमारी मेहनत, लगन और जज्बे को आपका सलाम मिल रहा है। हम हैं द पंचौरा न्यूज, आपके साथ रहते हैं, आपकी बात कहते हैं। कन्नौज में सदर कोतवाली क्षेत्र के मवई रहायक गांव में दबंगों ने घर में घुसकर मां बेटी के साथ जमकर मारपीट की। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि पति विजय बहादुर को आरोपियों ने कई साल पहले गायब कर दिया था, जिनका आज तक कोई पता नहीं चल सका है। साथ ही उसकी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया है। पीड़ित मां बेटी ने एसपी से मुलाकात कर दबंगों से बचाने की गुहार लगाई है। कहा कि अब सभी लोग जमीन के लालच में उसको व उसकी पुत्री को पति की तरह गायब करना चाहते हैं। पीड़िता ने जान को खतरा बताया है। लड़का छोटू, उसने घर में घुसकर हमें मारा और हमारी इस तरह से कपड़े वपड़े फाड़ दिए और मारी बेइज्जती की। तो आप थाने नहीं गई थी? गए थे, वहाँ कोई सुनवाई नहीं। क्या नाम उस लड़के का? धीरेन्द्र। और क्या कहता है तुमसे? कहता है हम तुझे ससुराल लायक नहीं रखेंगे, अगवा करवा देंगे। पहले बात तो हमें अगवा करवा देंगे। और मेरे पापा जी को 10 साल से उसे ही नहीं कहा किया है, कह रहा कि तुझे भी गायब कर देंगे। सदर कोतवाली के मवई रिहायक गांव निवासी लक्ष्मी पत्नी विजय बहादुर ने शुक्रवार को एसपी प्रशांत वर्मा को दे शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि गांव के ही राम सिंह, धीरेन्द्र, रवि व उषा देवी उसकी जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। विरोध करने पर बीते 10 जनवरी की सुबह हाथों में लाठी डंडा लेकर उसके घर में घुस आए। विरोध करने पर उसको व उसकी पुत्री सपना को जमकर पीटा। चीख पुकार सुनकर पड़ोसियों ने बीच बचाव कर उसको व उसकी पुत्री को बचा लिया। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जुड़े रहिए अपने शहरों की खबरों के संसार के साथ, पंचौरा न्यूज के साथ।